हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉट एंड स्पाइस किचनेट। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल स्वीट कॉर्न की सब्जी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और इसे घर में उपलब्ध इंग्रेडिएंट्स के साथ आसानी से बनाया जा सकता है। तो चलिए हम फटाफट बनाते हैं स्वीट कॉर्न की सब्जी। मसाला कॉर्न बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फ्रेश स्वीट कॉर्न लिया है, जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। आप चाहें तो फ्रोजन कॉर्न भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने आधा चम्मच सौंफ, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच धनिया पाउडर, थोड़े से गरम मसाले, थोड़ी सी काली मिर्च और 8-10 कली लहसुन और 1 इंच लगभग अदरक का टुकड़ा लिया है। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा रिफाइंड डाला है। अब हम इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा और तेजपात डालेंगे और थोड़ा सा बटर डालेंगे। बटर को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। बटर हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें एक लौंग और एक छोटी इलायची डालेंगे। इसे हल्का सा चला लेंगे। यहाँ मैंने 3 प्याज लिया है, जिसको मैंने फाइन चॉप कर लिया है। अब इसे हम कढ़ाई में डाल के अच्छे से मिला लेंगे। प्याज को आप बड़े ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। प्याज को हम थोड़ी देर हाई फ्लेम पर चलाते रहेंगे। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब फ्लेम हम अपना लो कर लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, ताकि प्याज हमारा अच्छे से गल जाए। थोड़ी देर के बाद ढक्कन हटा देंगे और इसे अच्छे से चलाएंगे। आप देख सकते हैं कि प्याज हमारा सॉफ्ट हो गया है और अब हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनते रहेंगे। अब प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर प्यूरी डालेंगे। यहाँ मैंने 2 टमाटर को मिक्सी में पीस लिया था। इसे अच्छे से मिलाते हुए हम इसे एक बार फिर से ढक देंगे। 2-3 मिनट ढकने के बाद इसे हम अच्छे से फिर से चला लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे हम अभी भूनते रहेंगे। तब तक हम अपने मसाले को पीस लेते हैं। सारे मसालों को मैंने यहाँ पीस लिया है। प्याज टमाटर भी हमारा अच्छे से अब भुन गया है। आप देख सकते हैं मसालों से हमारा तेल अलग हो गया है। अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद हम अब इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और उसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे बराबर चलाते हुए हम भूनते रहेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। इससे सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा निकल के आता है। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है। अच्छे से मिलाने के बाद हम अब इसमें थोड़ा सा काजू पिसा हुआ डालेंगे। यहाँ मैंने 7-8 काजू को मिक्सी में पीस लिया है। इसे अच्छे से अब मिलाकर भूनेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम थोड़ी देर इसे भूनेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा मलाई डालेंगे। इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। मलाई को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे।
मसाला हमारा भुन चुका है, अब हम इसमें कॉर्न डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें आवश्यकता अनुसार पानी डालेंगे। इसे अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसे थोड़ी देर पकने देंगे। अब सब्जी में उबाल आने लगा है, अब इसमें हम कसूरी मेथी डालेंगे। इसे भी हम मिला लेंगे। थोड़ी देर के लिए अब हम इसे लो फ्लेम पर ढक देंगे। थोड़ी देर के बाद इसका ढक्कन हटा देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पनीर को ग्रेट करेंगे। ग्रेटेड पनीर डालने से सब्जी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है और इसका लुक भी दोगुना बढ़ जाता है। पनीर डालने के बाद इसे हम 2 मिनट और पका लेंगे और अभी हमारी मसाला कॉर्न की सब्जी तैयार है। अगर मेरी मसाला कॉर्न की रेसिपी आपको पसंद आती है तो आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं कि मेरी मसाला कॉर्न की रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू।